Places of medieval India. Now in this video we are going to take the first place is Hampi. So this place is found in ruins of Vijayanagar. ये जो place था Vijayanagar में जब जो ruins हमको जो मिले थे उसमें ये हमको ये place मिला था Hampi. इस place में important thing मतलब ज़्यादातर तो ये extinct ही हो चुका था. फिर भी हमें दो चीज़ें जो important यहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे हमारे पास में है दो इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हम कह सकते हैं. फर्स्ट वन इज द बेसमेंट ऑफ किंग्स ऑडियंस हॉल. जो राजा थे उनका बेसमेंट मिला था जिसको जो किंग का जो ऑडियंस का जो हॉल होता था उसका बेसमेंट हमको मिला. दूसरा जो था वो हमें मिला है थ्रोन. सेकेंड चीज को हम बोलते हैं थ्रोन ऑफ द प्लेटफॉर्म, आई मीन थ्रोन प्लेटफॉर्म. फिर यहाँ पे इसके बाद हमको टेम्पल्स भी मिले हैं जो कि ज़्यादातर एक्सटेंट हो गए थे, एक्सटेंट हो गए थे. बट स्टिल वी फाउंड थ्री इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स जो कि यहाँ पे तीन इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, पामपति, विठल स्वामी एंड हाजरा रामा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स भी मिलते हैं. उसके अलावा हमें अदर सेकुलर प्लेसेस भी मिली हैं, बिल्डिंग्स भी मिली हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग का नाम है लोटस महल, दूसरा है जो है एलिफेंट टेबल्स, और दो अदर टावर मिलते हैं हमको जिनको हम लोग रॉन्गली मतलब उनको गलती से हम लोग उनको बोलते हैं वॉच टावर ऑफ जनाना. ओके, तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस में से हो गया Hampi जो कि हमें मिला है कहाँ पे, विजयनगर के रुइंस में. और ये आप याद कर सकते हो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेसेस में मतलब थ्रोन प्लेटफॉर्म कहाँ पे था या किंग का ऑडियंस हॉल हमें कहाँ पे मिला था, तो Hampi में विजयनगर के रुइंस में जो हमें फाइंड हुआ था. तो नाउ द सेकेंड प्लेस दैट वी आर टेकिंग इज श्रीरंगम. ओके, श्रीरंगम एक वेनिस सिटी था तिरुची का जो कि सिचुएटेड है तमिलनाडु में. ओके, अब ये जो प्लेस है ये एसोसिएटेड है वैष्णवनिज्म से. ओके, यहाँ पे लोग जो है वैष्णवनिज्म का फॉलो करते हैं. फिर इस प्लेस को नोट किया जाता है मैसिव टेम्पल्स की वजह से, और टेम्पल्स भी ऐसे जिनमें हमारे पास गोपुरम थे, पिलर हॉल थे और लॉन्ग कॉलोनाइट्स थे. ओके, अभी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हमको मतलब टेम्पल्स बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे हमको गोपुरम, पिलर हॉल्स और लॉन्ग कॉलोनाइट्स देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो श्रीरंगम. नाउ द टेम्पल्स हियर अपीयर टू बी डिस्ट्रॉयड. यहाँ पे जो टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था बाय मलिक काफूर. बट ऐसा माना जाता है कि हमने जो गॉड की मूर्ति थी उसको सेव कर लिया गया था और फाइनली उसको लेके जाया गया कहाँ पे, तिरुपति में. ओके, अब वहाँ तिरुपति में अंडर कुमारा कंपनास ऑस्पिशियस, तो ये कुमारा कंपनास थे उनके थ्रू इस मूर्ति को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लेस श्रीरंगनम. ओके, तो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लेस हमने लिया है फॉर द मेडिवल इंडिया दैट इज उदयगिरी. नाउ अब उदयगिरी में इसलिए हम लोग को इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको एज अ वाइस रॉयल्टी का सीट माना जाता था इन द टाइम पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर. ठीक है, जो 14th सेंचुरी था उसमें हम जानते हैं विजयनगर एम्पायर काफी फेमस, आई मीन सबसे वास्ट एम्पायर था इंडिया का. तो उसमें उदयगिरी जो प्लेस था उसको वाइस रॉयल्टी का प्लेस बोला जाता था. अब इस उदयगिरी पे सबसे पहले कपिलेंद्र जो कि उड़ीसा के थे, ठीक ओडियन थे, उन्होंने इस पे अटैक किया था अंडर द हम्पीटा. ओके, उन्होंने इसको क्या किया, हम्बीरा ने पहले तो उसको कैप्चर कर लिया था उदयगिरी को, बट नरसिम्हा जो है सर्वोस नरसिम्हा उन्होंने उदयगिरी को वापस से रिकवर किया था 1469 और 70 के बीच में. बट वापस से ये अंडर द ओडिया पीपल चला गया था और जो पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम ऑफ ओडिशा, उन्होंने इसको रिकॉन्कर किया था. सो फ्रॉम विजयनगर एम्पायर इट वेंट टू द ओडियन पीपल लाइक कपिलेंद्र जी. ठीक है, उन्होंने इसको कैप्चर किया वापस से, उसको नरसिम्हा जी ने वापस से उसको रिकवर कर लिया था उदयगिरी को, बट सिर्फ एक साल के लिए वो अपने पास रख पाए और फिर से ये ओरियन पीपल के अंदर में चला गया पुरुषोत्तम जी के अंदर में. बट राजा कृष्ण देव राय ने जब इसको कैप्चर किया फाइनली ओरियन पीपल लॉस्ट द सिटी एंटायरली एंड दिस इज ऑफ लाइक इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर अस उदयगिरी एम्पायर विच वॉज अंडर द विजयनगर एम्पायर वाइस रॉयल्टी इट वॉज टर्म टू बी एज अ वाइस रॉयल्टी.
तो नेक्स्ट सिटी जो हमने यहाँ पे पिक किया है दैट इज वारंगल। वारंगल जो था दैट वाज द कैपिटल, ओके, इट वाज द कैपिटल ऑफ काकतियाज। उसके बाद मलिक काफूर को यहाँ पे सेंड किया गया था टू बीसीज वारंगल फोर्ट, और यहाँ पे मलिक काफूर को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अगर राजा जो है वहाँ पे वो सरेंडर कर देते हैं तो उनको कोई भी टॉर्चर वगैरह ना किया जाए अगर वो अपने अकॉर्डिंग सरेंडर करते हैं। मलिक काफूर के बाद ये वापस से जो तुगलक डायनेस्टी के गियासुद्दीन तुगलक था उसने इसको बिसीज किया इस सिटी को। फाइनली वारंगल वॉज एनेक्स बाय द दिल्ली सल्तनत। ओके, जब दिल्ली के सुल्तान ने इसको एनेक्सेशन किया सिटी पे, उन्होंने इसका नाम चेंज करके सुल्तानपुर रख दिया। ओके, फाइनली जो ये मुस्लिम किंगडम था जिसको गोलकुंडा कहते हैं वो वारंगल के रुमेंस पे ही खड़ा हुआ है। ओके, सो इसलिए सिटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो एक कैपिटल था काकतिया का, फिर मलिक काफूर ने इसको भी सीज किया था, और गियासुद्दीन तुगलक मतलब ये तुगलक डायनेस्टी के भी अंडर में रहा था, प्लस वारंगल का नाम दिल्ली सल्तनत में भी आया था जिसको उसको चेंज करके सुल्तानपुर कर दिया गया। और गोलकुंडा आप जानते हो, तो गोलकुंडा जो है वो इसी के रिमेंस पे फाइनली बना हुआ सिटी।